आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम मीठी लाल चटनी बनाने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या सामान यूज होता है वो मैं आपको बताती हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करना और बेल बटन दबाना। मीठी लाल चटनी बनाने के लिए हमने 500 ग्राम गुड़, 50 ग्राम अमचूर पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भुना जीरा, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच मोटी काली मिर्च और 2 चम्मच तेल। सबसे पहले हम गर्म पानी में अमचूर पाउडर को भिगो देते हैं और गुड़ को छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अमचूर पाउडर भिगोने के लिए हमने पानी तेज गर्म लिया है और इसको हम भिगो देते हैं इसके अंदर, जिससे हमारा अमचूर पाउडर फूल जाए। इसे अच्छे से मिला दें जिससे इसकी गांठें निकल जाएं और ये हमें आधे घंटे के लिए भिगोकर रख दें। आधा घंटा हो चुका है, हमारा अमचूर पाउडर भीग चुका है और गुड़ के भी हमने छोटे टुकड़े कर लिए हैं। तेज गैस पे हमने एक कढ़ाई रख दी है और 2 चम्मच हम इसके अंदर तेल डाल रहे हैं। 1 मिनट हो चुका है और हमारा तेल गर्म हो गया है। इसके अंदर हम जीरा डाल रहे हैं। जीरा डालने के बाद अमचूर पाउडर का पानी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। इसके अंदर पानी हमें और भी डालना है। 1 गिलास पानी में हमने अमचूर पाउडर भिगोया था और 1 गिलास पानी हम और डाल रहे हैं। अब इसके अंदर हम गुड़ डाल देते हैं। और इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं। अब इसके अंदर हम सारे मसाले डालते हैं। नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर और ये जो हमारी काली मिर्च है इनको हम थोड़ा सा दरदरा कूट कर जब डालेंगे। इन सब मसालों को हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। देखिए काली मिर्च को भी हमने दरदरा कूट लिया है, इनका टेस्ट अपना अलग ही आएगा। इसको भी डालकर हम इसके अंदर मिला देते हैं और हमें ये कम से कम 10 मिनट तक पकानी है। गैस को मीडियम रखनी है। करीबन 10 मिनट हो गए हैं हमारी मीठी सौंठ को पकते हुए। अब ये ठंडी होने के बाद ही थोड़ी कैरी होगी। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडी होने के लिए रख देते हैं। देखिए हमारी मीठी लाल चटनी ठंडी हो चुकी है। आप इसे खाने में किसी भी चीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि चाट पकौड़ी, समोसे या अपने घर में अपने पकोड़े बनाए हैं तो उसके साथ आप खा सकते हैं। यदि आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये 2-3 महीने तक ख़राब नहीं होगी, क्योंकि यदि हम कम पकाते हैं तो ख़राब हो जाती है, यदि हम ज़्यादा पकाएंगे तो ख़राब नहीं होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। धन्यवाद।